नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इस नई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज ही करेगी सुनवाई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैवियट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। डॉक्टर्स की टीम केजरीवाल की कर चुकी है मेडिकल जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिम्पू पहुंचने पर हुआ अभूतपूर्व स्वागत। भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे ने हवाई अड्डे पर की अगवानी। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, करीब 30 मजदूर मलबे में फंसे। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। हिंसा प्रभावित हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जारी। अब तक 12 भारतीयों की हुई सुरक्षित निकासी। और आज से शुरू हो रहा आईपीएल का रोमांच। 17वें सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होंगे आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ होंगे सीएसके के कप्तान। और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को आज सीजेआई के सामने उठाया है। सीजेआई ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने मामले को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज ही इस मामले की सुनवाई करेगी। पहले से लिस्टेड मामलों की सुनवाई के बाद ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है, यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि उनको भी इस मामले में सुना जाए और उनको सुने बिना कोई आदेश न पारित किया जाए। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कल केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी पेश करेगी राउज एवेन्यू कोर्ट में और वहां से उनकी रिमांड मांगेगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 10 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत क्या कुछ कहती है। तो इस मामले से उपजे हुए तमाम सारे सवाल हैं जो इस वक्त जिन पर डिस्कस किया जा रहा है। और आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर आज पूरी तरह से सन्नाटा दिखा। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो दिल्ली में या देश भर में बीजेपी के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी, इसका विरोध करेगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथी संवाददाता कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। इस वक्त वो राउज एवेन्यू कोर्ट से और दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से उर्मिलेश जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्रा जो है जुड़े हुए हैं बीजेपी कार्यालय से। सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के अगर आवास पर चले और अभिषेक उर्मिलेश आपके पास क्या जानकारी आप देंगे, क्या कुछ हलचल है वहां पर, क्या आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां भी जुटे हुए हैं, कुछ रणनीति बन रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति अपनाई है जो आम आदमी पार्टी है वो और उनके कार्यकर्ताओं ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है जब सुबह हमारी टीम आई तो तभी से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो है सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, साथ ही यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मियों की जरूर भीड़ है। बाकी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। और जो केजरीवाल का घर है ये सिविल लाइन्स स्थित यहाँ पर जो आवास है मुख्यमंत्री का, यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कल रात जब गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, उस समय आम आदमी पार्टी
घंटे के तमाम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो है दिल्ली में जो है कूच करेंगे, दिल्ली का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस प्रकार से कहीं भी ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क है वो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से यहाँ पर यातायात चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों को नहीं आ रही है इस पूरे रूट पर। और साथ ही अगर केजरीवाल की घर की बात की जाए तो यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर मीडिया और पुलिसकर्मी तैनात हैं। जी जी जी, जो ये जो दो तस्वीरें हम अपने साथ में इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी के कार्यालय से और जैसा कि उर्मिलेश ने अभी दिखाया मुख्यमंत्री कार्यालय से, मीडिया जरूर मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन वो जो आम जमावड़ा और भीड़ रहती है वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है कुमार आलोक दिन में 2 बजे के बाद। रिमांड कितने दिन की मांगेगी, ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जेल से मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और जेल से सरकार चलाएंगे, इस पर भी अदालत कोई अपने इस पर टिप्पणी कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, और ये संवैधानिक प्रश्न है कि क्या जेल से सरकार चला सकते हैं। जिस तरीके के जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा, चाहे वो आतिशी हों, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों दिल्ली विधानसभा के, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जेल से सरकार चलाएंगे, यही बात आप याद करेंगे कि जब बिहार में चारा घोटाला हुआ था तो लालू प्रसाद यादव को जब जेल हुई तो उन्होंने भी यही शब्द कहा था कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन बाद में जब संवैधानिक ये व्यवस्था को देखते हुए उन्हें अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। तो अब अरविंद केजरीवाल के मंत्री और उनके जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। तो जनता ने अगर उन्हें मैंडेट दिया है तो जनता ने इतने बड़े घोटाले के लिए भी वो मैंडेट नहीं दिया था, लेकिन देखना होगा कि अब अरविंद केजरीवाल वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जेल के मैनुअल के अनुसार आप कोई प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकते, आप किसी तरीके का कोई पर्सनल कार्य नहीं कर सकते, ना फोन पे बातचीत कर सकते हैं, आप तो फाइलों का निपटारा कैसे कीजिएगा, आप तमाम तरह के जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा जो लिए जाते हैं वो कैसे लेंगे। तो अगर ये सब कुछ निर्भर करता है आज कोर्ट के निर्देश पे कि कोर्ट क्या फैसला लेता है, यानी 2 से 2.5 बजे के बीच उनकी यहाँ पेशी होगी, और उस पेशी के बाद क्या निर्णय लेती है कि कोर्ट का निर्णय क्या आता है, उस कोर्ट के निर्णय के बाद ये जो आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है, क्योंकि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद राजनीति में शुचिता की बात करते रहे हैं, जिस करप्शन के खिलाफ वो राजनीति में आए, पहले तो उन्होंने एक सामाजिक सेवक के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया, उसके बाद जब नौकरी से उन्होंने रिजाइन दिया था, उसके बाद वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद मुझे वो दिन याद है निखिल कि जब ये आंदोलन अन्ना हजारे का चल रहा था, चाहे वो रामलीला मैदान हो चाहे जंतर मंतर पर चल रहा था, तो उस समय की सत्ताधारी पार्टी थी कांग्रेस, और उस घोटाले के खिलाफ तमाम विपक्षी दल थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहे वो वामपंथी दल हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, तो जब ये नेता उनको समर्थन करने के लिए मंच पे आते थे जंतर मंतर पे, तो ये लोग बहिष्कार करते थे और उनको भगाते थे कि हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हमारा आंदोलन बिल्कुल विशुद्ध राजनीति से परे है। लेकिन वही उन्हीं लोगों ने बाद में आम आदमी पार्टी बनाई, बाद में सत्ता में आए, और जब सत्ता में पहली बार है तो आपको याद होगा कि कोई साइकिल से ज्यादा था तो कोई पैदल ज्यादा था, कोई हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, अब आज जो स्थिति है वो सब कुछ आप देख रहे हैं। तो आज देखना होगा 2 से 2.5 बजे जो समय है काफी महत्वपूर्ण है, खासकर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। जी बिल्कुल, और आपने कहा कि बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल हैं और पॉलिटिकल सवालों का जवाब देने के लिए मैं शैलेंद्र मिश्रा के पास जाए, उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय पर खामोशी छाई हुई है, यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दफ्तर के आसपास किस तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी इस ये जो इलाका है ये काफी जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन कल शाम जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। और जहाँ तक
जो इस इलाके की बात है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से इस रोड की नाकेबंदी कर दी गई है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और केवल यहाँ पे देखा जा सकता है कि केवल जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल की यहाँ केवल तैनाती है, भारी संख्या में महिला और पुलिस बल यहाँ पे मौजूद हैं। जो कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस अभी जो चौक है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का जो प्रमुख चौक है, आईटीओ चौक है, वहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। उसके बाद की अगर स्थिति यही है कि ये जो सड़क है, इस सड़क पे जो दफ्तर है आम आदमी पार्टी का, इस दफ्तर के बाहर केवल और केवल सन्नाटा है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि जो ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी को, जो पीएमएलए जो कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट में करीब 2 बजे उनको वहां पेश करेगी, और उसके बाद की क्या स्थिति होगी वो स्थिति उसके बाद ही तय होगी। जो अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में केजरीवाल के साथ किस तरीके से पूछताछ किया जा रहा है, किस तरीके से, जैसा कि बताया जा रहा है कि उस पूछताछ में वो बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आगे की क्या स्थिति होगी वो देखने लायक होगी। कैमरामैन नवीन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज दिल्ली। जी, तो धीरज ने तमाम तस्वीरें दिखाई, ये बताया कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और उसके साथ ही साथ ये भी बताया कि जो सूत्र बता रहे हैं ईडी के, वो ये बता रहे हैं कि जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत सपोर्ट अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं रहा है। हमारे साथी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उर्मिलेश जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ और साथी संवाददाता जुड़ेंगे, विकास जुड़ेंगे हमारे साथ में। तो सबसे पहले आइए हम रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ कुमार आलोक जुड़े हुए दिख रहे हैं। शैलेंद्र, आपके पास बहुत सारे जिसको कहते हैं कि जिन पॉलिटिकल सवालों की बात कर रहे थे, दरअसल उनका जवाब आपके पास खोजने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण का आपने देखा है कि बीजेपी ने भरपूर विरोध किया है, बीजेपी कवर करते रहे हैं, कितना ये आप इसको अगर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखते हैं तो इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे, कितना शहमात का खेल जो है ये इस सियासत में लोकसभा चुनावों के विशेष संदर्भ में इसका असर होगा? ये देखिए, आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ तो दरअसल कांग्रेस विरोध और कांग्रेस के नेताओं और तमाम ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको कट्टर भ्रष्टाचारी बताकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई, कांग्रेस की सरकार को हटाकर सत्ता में आई। उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने हर उस मुद्दे पर अपना स्टैंड बदला है। हो सकता है कि राजनीतिक दलों की अपनी जरूरत होती है, रणनीति होती है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है, लेकिन आप कट्टर भ्रष्टाचारी कांग्रेस के नेताओं को बताते थे, आप उन्हीं के साथ इंडी गठबंधन में खड़े हैं। आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर ले तो आप कहते थे कि सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, अब सरकारी गाड़ी से चलते हैं। आपने कहा था कि बंगला नहीं लेंगे, उनके बंगले के रिनोवेशन को लेकर कितना विवाद हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, वो अब एक अलग सवाल है, और उस पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने कितना निशाना अरविंद केजरीवाल और उनकी नीति पर उठाया कि आप एक ऐसे नेता के तौर पर लगातार दावा करते थे कि कट्टर ईमानदार है लेकिन बंगले पर इतना खर्च करते हैं, शराब घोटाले में गंभीर आरोप है। तो बीजेपी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो जो कहते थे ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। कट्टर बेईमान का दावा, कट्टर बेईमान एक तरह से बीजेपी उन्हें बताती है, और ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल उनके समर्थक कहते थे कि वो कट्टर ईमानदार है लेकिन शराब घोटाले में एक एक तथ्य ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी है, कट्टर बेईमान है। और उसके लिए जो ईडी तथ्य सामने रख रहा है उसका हवाला बीजेपी दे रही है, जो मीडिया के जरिए सामने आ रहा है कि देखिए जो तथ्य सामने आ रहे हैं विजय नायर से लेकर के कविता तक, जो 15 गिरफ्तारियां हुई, किस तरह से इशारा करते हैं कि जो नई शराब नीति लाई गई थी उसमें अरविंद केजरीवाल के जानकारी में पूरा घोटाला हुआ था। और यही वजह है कि जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की, उसके तुरंत बाद वापस ले ली गई ये नीति। इसकी वजह यह है कि केजरीवाल को भी यह पता था कि ये कहीं ना कहीं नीति में घोटाला हुआ है, ऐसे में सवाल उठेंगे। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले 10 सम्मन में 18 बहाने बनाए, जो 9 सम्मन आए थे उसके बाद 10वां सम्मन आया, और बहाने भी क्या बनाए कि व्यस्तता है, अभी ये काम है, चुनाव में व्यस्त है, यानी तकनीकी वजहों से सम्मन पेश नहीं करना चाहते। आपके पास वापस आएंगे, केजरीवाल है
जिनका यह कहना था कि आरोप लगने पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महत्वपूर्ण अपडेट्स उनके पास जरूर होंगी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की है विकास, और लेटेस्ट जानकारी आपके साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। तुरंत सुनवाई तो नहीं हो सकी अरविंद केजरीवाल की? जी निखिल, तुरंत सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जब ये मामला मेंशन किया गया चीफ जस्टिस की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, तो उनको ये बताया कोर्ट ने कि एक स्पेशल बेंच पहले से ही जस्टिस संजीव खन्ना की इस तरह के मामलों को सुन रही है, वो वहाँ जाकर के इसको मेंशन करें। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस खन्ना की बेंच में मामले को उठाया तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उनकी ये रिट पिटीशन है इसीलिए 3 जजेस की बेंच के सामने जानी चाहिए और इसीलिए उनको हो सकता है कुछ देर इंतजार करना पड़े। तो अब ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन 3 जजों की ये बेंच है जो इस याचिका पर सुनवाई करेगी। और जैसे ही मामले अपनी अपनी बेंच के पूरे कर लेते हैं जजेस, तभी ये बेंच असेंबल होगी। इस बीच में जैसा कैवियट की बात थी कि ईडी की ओर से कैवियट दाखिल कर दी गई है, यानी कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर बिना ईडी को सुने सुप्रीम कोर्ट पारित ना करे, ये ईडी ने अब तय कर लिया है इस कैवियट को फाइल करने के बाद। विस्तार से सुनवाई जब शुरू होगी तभी हमें पता चलेगा कि आखिर नया ग्राउंड क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से लिया जा रहा है, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से हाईकोर्ट में लगभग सभी अपनी जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे, अगर हाईकोर्ट की बात करें, चाहे वो उनकी हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट में क्या ग्राउंड्स दिए दरअसल, क्योंकि ये बात लगातार सामने आ रही है कि हाईकोर्ट में जब कल दिन में 2:30 बजे के बाद ईडी आई थी तो उसने तमाम सारी बातें, तमाम सारे सबूत भी दिए जिसके बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने से उसने इनकार कर दिया था। तो आज जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से नए ग्राउंड्स के साथ आएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं कि कल क्या ग्राउंड्स दिए थे उन्होंने। बिल्कुल, कल सबसे पहली बात ये कही जा रही थी कि उनको किसी भी समन में ये नहीं बताया जा रहा कि उनको आरोपी के तौर पर बुला रही है ईडी, या उनको एक गवाह के तौर पर, या मुख्यमंत्री की हैसियत से उनका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं कई बार ऐसे समन में, वो ब्लैंक छोड़े गए हैं, वो कॉलम ब्लैंक है कि उनसे उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये मेंशन नहीं किया जा रहा है कि आखिर किस हैसियत से उनको ईडी पूछताछ के लिए बुला रहा है। इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि उनको संदेह है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने ये कही कि जब ये मामला लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से इसकी जाँच हो रही है, उनकी भूमिका पर कभी कोई बात नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक हम आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये राजनीति से प्रेरित उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला है। ईडी ने ये कहा कि हम उनको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, हम नहीं बताएंगे कि वो आरोपी के तौर पर आए या गवाह के तौर पर, जांच के बाद जो भी परिस्थिति बनेगी उससे उनको अवगत कराया जाएगा। तो एक ग्राउंड आप कह सकते हैं निखिल, वो खत्म हो गया, जो संशय था कि वो आरोपी हैं या गवाह हैं, तो अब उनको आरोपी बना लिया है ईडी ने, ये तो स्पष्ट हो गया है। अब बात बचती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ये ग्राउंड लेकर के वो बहस करेंगे कि चुनाव नज़दीक है, उनको पीछे उनके सलाखों के पीछे रहने से पूरी प्रक्रिया बाधित होगी, उनकी पार्टी चुनाव में ठीक से नहीं लड़ पाएगी, यही वो ग्राउंड भी ले रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। इसी तरह की बातें हो सकता है अभी आपको थोड़ी देर में सुनने को मिले यहाँ कोर्ट में। जी 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 जी, और यही सारी बातें दरअसल जनता के बीच में या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बीच में अपनी साउंड बाइट्स के जरिए मीडिया को यही सारी बातें लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपके पास आए इससे पहले कुमार आलोक के पास जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुमार आलोक, सबसे पहले तो आप वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का थोड़ा जायजा भी दिखाइए, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तमाम जो धरना प्रदर्शन है वो उनका जारी है, तो क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वो भी आप हमको बताएं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा कैमरा को आप पैन करें और यहाँ दिखलाएं, यहाँ का दृश्य दिखलाएं। जैसा कि निखिल, आपने जो हमारे 2 रिपोर्टर्स थे, धीरज ने अपनी रिपोर्ट दिखाई और इसके अलावा आपने देखा उर्मिलेश की रिपोर्ट देखी, तो जहाँ सीएम आवास पर सन्नाटा है वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भी सन्नाटा है, और यही हाल यहाँ पर राउस एवेन्यू का जो कोर्ट है, जहाँ पर कुछ देर के बाद यानी कि 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, यहाँ भी सुरक्षा कर्मियों के अलावा जो कुछ भी अगर लोग हैं तो वो मीडिया वाले लोग हैं और अपनी अपने अपने चैनल्स और अखबारों के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप बिल्कुल सन्नाटा यहाँ भी पसरा हुआ है और एक तरह से पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की हुई है कि किसी भी तरह की जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, कोर्ट के पास भी आएंगे, वहां पर बीजेपी के
देखिए बीजेपी का जो मुख्यालय है वहां भी प्रदर्शन करेंगे, आईटीओ पर प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसा कुछ यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि आप कुछ ही देर में जो प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है, अब तो बिल्कुल बैरिकेड लास्ट एकदम कर दिया गया, अभी कुछ देर खुला छोड़ा हुआ था लेकिन अब फाइनल कर दिया गया, यानी कि अभी आवागमन बंद हुआ। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सीएम जो है अरविंद केजरीवाल वो जेट श्रेणी का सुरक्षा उन्हें मिला हुआ है और ईडी सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहती, इसलिए प्रशासन को यहाँ पर सख्त हिदायत दी गई है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था हो, और यही व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर हम आपके पास वापस आएंगे। वहाँ पर ऐसा लगता है कि दिन में 2-2.5 बजे के बाद बहुत सारा मूवमेंट देखने को मिलेगा राउज अपनी कोर्ट में। फिलहाल विनोद मिश्रा के पास आते हैं। विनोद मिश्रा जी, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा कहा जा रहा है, और उनके पास बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने के ऊपर उनके पास और उनकी पार्टी के पास उसके अलावा कुछ चारा दिखाई नहीं देता। क्या कहेंगे आप, कितना असर होगा इस पूरी घटना का, पूरी ओवरऑल जो सियासत है उस पर और दिल्ली की सियासत पर? निखिल, मैं सुन रहा था अभी आलोक जी को, आपके जो आईटीओ से बता रहे थे, मैं भी उधर से अभी आ रहा हूँ, और जिस तरह की इन्होंने ये और पूरे भारत में एक तरह से कह रहे थे कि आंदोलन होगा, लोग सड़क से बाहर निकलेंगे, सड़क पर निकलेंगे, एक तरह से अभी आतिशी के जो अभी प्रोटेस्ट करते हुए दिख रही थी तो कह रहे थे कि क्रांतिवीर सड़क पर होगी, मोदी तेरी जेल भर जाएगी। अब ये इस तरह का नैरेटिव है, आप देखिए जेल भी इन्हीं का है, दिल्ली सरकार का है, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी तेरी जेल भर जाएगी। और जेल भरने के उनका बस भी नहीं भर रहा था जितने लोग उनके साथ में थे, ये मैं था वहाँ आईटीओ पे। तो ये नैरेटिव का और ये जो आप कह सकते हैं कि सियासी ड्रामा का, ये आज आपने कल एक क्लाइमेक्स देखा था, और ये क्लाइमेक्स इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से आपने देखा कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, ईडी के एक सम्मन फिर दूसरा बहाना, ईडी के दूसरे सम्मन फिर तीसरा बहाना, ये ऐसे करते करते 18 बहाने के बाद ईडी ने 10वां सम्मन लेके खुद उनके घर पे कल पहुँच गई थी। तो अब ये मुश्किलें ये है कि आप ये देखिए आम आदमी पार्टी के जो अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा रहा है। तो ये इस तो समझने की बात है कि इस तरह इसके केस की अब जब आप पेचीदगी को समझेंगे कि तो आज के कविता का कि जो अब गिरफ्तारी पे सुप्रीम कोर्ट वो गई थी राहत लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि आप अपने निचली अदालत से आइए। ये सेम ऐसी ही चीज़ है, आप अभी देखिए कि वहाँ सोरेन को चीफ मिनिस्टर झारखंड के लिए भी जब वो पड़े लेके आए थे तो उनको भी कहा गया कि आप निचली अदालत से आइए, हेमंत सोरेन के लिए मैं बता रहा था। और ये ठीक आज जो है वो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का उनके लिए ये निर्णय आता है। लेकिन सवाल ये है कि आप जिस तरह के नैरेटिव बना रहे थे, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम से आप अभी सीएम बने थे, जिसमें आप जिस आप 5 साल पहले या 10 साल पहले जो डायलॉग दे रहे थे, क्या वही कर्मा जो है आपको जेल नहीं पहुंचा है, जिसमें आप किसी भी को संबंध देने और चार्ज लगने के साथ उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे थे? हम लोग उस ट्वीट को सामने में अभी लाएंगे कि एक एक ट्वीट आप देखिए कि किसी की भी गिरफ्तारी की, जिस सोनिया गांधी के वो कहते कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, आज वही कांग्रेस पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। ये अजय माकन ये इस बात का दावा करते थे कि दिल्ली शराब घोटाले का जो सीधा सीधा क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए, दिल्ली पुलिस में उन्होंने कई एफआईआर भी दर्ज कराया था, और अजय माकन आज दूसरा ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेक्स है सत्ता का, इसको भी देश देख रहा है और समझ रहा है, और यही कारण है कि जब आप इस क्लाइमेक्स को, सत्ता के इस ड्रामे को, क्लाइमेक्स को बनाते हैं, उस पिचिंग पे आप लाते हैं कि पब्लिक मूवमेंट को ले आए, तो जनता शायद इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार हो गई है। एक भी जनता आज इस बात के लिए रिएक्ट नहीं कर रही है कहीं भी, सिर्फ नेताओं का रिएक्शन आ रहा है। जी, 2013 में जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जब से दरअसल ये आंदोलन शुरू हुआ विनोद जी, और उसके बाद से यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने से लेकर करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर के और इन्वॉल्व्ड इन करप्शन के आरोपों तक और अब जेल जाने तक, किस तरह से आप ये देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो लोग आंदोलन के लिए खड़े हुए थे, जो आम लोग खड़े हुए थे? निखिल, सबसे बड़ी बात ये कि अफसोसनाक बात मैं कह रहा हूँ ये कि देश के लिए हो सकता है कि जो लोग सियासत को बदलने आए थे। आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर अभी आ रही है दिल्ली, विकास सारथी के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट से खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने को कहा है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है और अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है और इस याचिका को वापस लेने को कहा है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने को कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ जुड़ेंगे विकास सारथी, उनसे इस खबर पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि इस पर चर्चा हो रही थी कि कल रात से ही अरविंद केजरीवाल के साथी उनकी गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे और आज जब दिन में सुनवाई हुई तो ये हुआ कि जब रेगुलर हियरिंग में ये मैटर आएगा तो उनको सुना जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस लेने को कहा है कि ये याचिका वहां से वापस ले ली जाए। और हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ है ये समझना चाहेंगे। बिल्कुल निखिल, अब से थोड़ी देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को जानकारी दी कि उन्होंने रजिस्ट्री को कन्वे किया है कि वो अपनी पिटीशन विदड्रॉ करना चाहते हैं। वजह उनकी ये बताई है कि क्योंकि अभी जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा ईडी के सामने और ईडी रिमांड मांगेगी तभी वो वहां पर उस रिमांड का विरोध करेंगे। तो उनका कहना यह है कि दोनों जगह लगभग एक सी सुनवाई हो जाएगी, यहाँ पर भी हम इस रिमांड का विरोध करें सुप्रीम कोर्ट में और निचली अदालत में भी, तो बेहतर है कि वो पहले निचली अदालत में अपना हाथ आजमाएंगे कि वहां से उनको क्या हासिल हो सकता है। और दूसरी वजह यह भी है कि जैसा हम निखिल पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो स्पेशल बेंच जिसकी बात हम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक बना रखी है, वहां से भी इस तरह के मामलों में फौरी राहत अब तक किसी को नहीं मिली है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जब स्पेशल बेंच की सुनवाई का क्या नतीजा रहा है ये भी अभिषेक मनु सिंह भी जानते हैं और इसीलिए वो सीधे सबसे बड़े फोरम पर अपनी याचिका खारिज हो जाए, इससे बेहतर है उन्होंने ये चुना कि वो पहले निचली अदालत से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, रिमांड का विरोध करेंगे। तो अब ये स्थिति स्पष्ट है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और सारा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो अब राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से। जी, एक बात समझना चाहेंगे, रिमांड जो है वो उसका विरोध करेंगे, जाहिर तौर पर रिमांड का विरोध कर सकते हैं, लेकिन रिमांड का विरोध करने पर मान लीजिए एक सवाल ये उठता है कि अगर उनकी उस अनुरोध को अदालत मान भी लेती है तो भी वो केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को वहां से छोड़ तो देगी नहीं, वो न्यायिक हिरासत में भेज देगी, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। लेकिन वो जो एम्बिट है वो उनके पास राउज अवनी कोर्ट में शायद ना हो, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी 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 बिल्कुल निखिल, देखिए इसमें सबसे पहली बात, जब तक वो जमानत के लिए याचिका नहीं लगाएंगे निचली अदालत में तब तक उनको जाहिर है अगर रिमांड नहीं दी जाती, अगर आप एक्सट्रीम केस में देखिए रिमांड नहीं दी जाती तो भी उनको जेसी में भेज दिया जाएगा। हाँ। अगर कोई जमानत याचिका अगर दाखिल नहीं की जाती है तब उस पर एक अलग बहस होगी। यहाँ पर इसकी वजह एक ये भी दिखती है कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो सिमिलर इस तरह के मामले रहे हैं, चाहे आप के कविता का जैसे मामला लें, आज उनकी जो याचिका लगी हुई थी उसमें भी उनके दो पक्ष थे। पहला उनका पक्ष ये था कि वो पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दे रही हैं और दूसरा ये था कि गिरफ्तारी को ही सीधे चुनौती दी, जमानत की उन्होंने मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीधे सबसे बड़े अदालत में आकर के आप जमानत मांग रही हैं, ये जो परिपाटी है, जो तरीका है, उसके खिलाफ है। एक क्या आम आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर के जमानत मांग सकता है? तो कोर्ट ने ये तो कहा कि हम आपका जो पीएमएलए को चुनौती देने वाला हिस्सा है याचिका का उस पर नोटिस कर रहे हैं केंद्र सरकार को, ईडी उस पर अपना जवाब देगी, लेकिन जमानत के लिए आप निचली अदालत में सबसे पहले ही जाएं। तो जब कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये रुख देखा है इनकी लीगल टीम ने, तो बेहतर यही चुना उन्होंने कि वो जाकर के रिमांड का विरोध करें। और अगर आप मान लें कि आज सुप्रीम कोर्ट से ही ये एग्जॉस्ट हो जाती रेमेडी तो उनके पास एक बड़ा मौका खो भी जाता। निखिल, आप जानते हैं कि ईडी की रिमांड को ठुकराएगी नहीं निचली अदालत, जरूर रिमांड देगी। ये जरूर हो सकता है कि जितने दिन की रिमांड ईडी मांगेगी उसको जस्टिफाई करने के लिए कहेगी कि आप जस्टिफाई करें कि आप जस्टिफाइड नंबर ऑफ डेज के लिए ही देगी। जी 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 जी
बिल्कुल रिमांड हमेशा मिलती है, आज भी ईडी को रिमांड मिलेगी। हाँ। सैद्धांतिक तौर पर रिमांड का विरोध करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी के वकील, उससे अगली बार जब उनको सुना जाएगा जमानत की उनकी कोई याचिका होती है उसके साथ, तो वो अपने पिछले ग्राउंड्स को गिनाएंगे कि देखिए हमने ये कहा था कि रिमांड की जरूरत नहीं है, इतने दिन की रिमांड के बाद क्या हासिल हुआ ये बताया जाए कोर्ट को। तो इस तरह की कानूनी दावपेच होते हैं उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत कुछ हासिल नहीं होता ये वो जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है पिटीशन। जी जी, अब इसमें एक चीज और भी मैं आपसे थोड़ा चाहूंगा कि जैसे आपने इसके लीगल जो एंगल बताया कि उस जो संजीव खन्ना की बेंच थी, स्पेशल बेंच है, वहां से रिलीफ इतनी आसानी से अभी तक किसी को मिला नहीं है, तो एक तो ये देखा गया, फिर वो जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर अपना लक ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आप विकास इस बात को भली प्रकार से समझते हैं कि इन सब चीजों में एक मैसेजिंग भी होती है जो आम लोगों तक जाती है, क्योंकि ये किसी आम व्यक्ति का मामला नहीं है बल्कि ये जो मामला है ये मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली की सियासत से, देश की सियासत से। तो ऐसे में ये यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो मैसेज होगा वो भी गलत होगा, क्या इस बात का भी ध्यान रखा गया, ऐसा भी आप सोचते हैं? बिल्कुल, दो तीन वजह हैं इसकी। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप सबसे बड़े फोरम को ही एग्जॉस्ट कर देंगे तो उसके बाद आपके पास बचेगा क्या? अभी अगर आप रिमांड का विरोध करते हैं निचली अदालत में जा करके, तो पहले रिमांड के दिन कम करवा सकते हैं, अगली सुनवाई जब होगी तब आप इस बात को पॉइंट आउट करेंगे कि हमने पहले भी रिमांड का विरोध किया था और इतने दिनों की रिमांड में क्या हासिल हुआ हमको ये बताया जाए। और आप जानते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट से यही आदेश सुप्रीम कोर्ट से आता कि आप जाइए निचली अदालत से जमानत लीजिए, जहां तक कानून को चुनौती देने की बात है वो हम सुनेंगे, तो इसका एक बिल्कुल आपने कहा कि इसका पॉलिटिकल फॉलआउट भी होता आम आदमी पार्टी के लिए, तो उससे भी बचने की कोशिश हो सकती है कि सीधे सीधे कोई ऐसा नकारात्मक पहलू ना आए इस पूरी सुनवाई से जिससे उनको उल्टा इसका नुकसान हो, क्योंकि अभी भी देखिए वो इस पूरी कानूनी लड़ाई में एक पॉलिटिकल इसको लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आप इकट्ठा हो जाइए, दूसरी पार्टियों के घर के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कीजिए, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा उन्होंने, कहा क्योंकि अवमानना होगी, लेकिन वो पार्टियों को निशाना बना रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल मैसेज, एक पॉलिटिकल इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं उस पे एक अलग सोच चल रही है उनकी, और कानूनी लड़ाई को लेकर एक अलग सोच चल रही है। बिल्कुल, दो मोर्चों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही उसका एनालिसिस किया। फिलहाल हम आपके पास आएंगे समय समय पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लगातार खबरें आ रही हैं, और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रीति अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रीति जी बहुत स्वागत है, और हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी जो कि वो जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन एक ब्रेकिंग खबर फिलहाल आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को उससे रूबरू करा दें। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, इस खबर को हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने के बाद कही थी, और विकास सारथी हमारे संवाददाता, उन्होंने विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है, तो यानी फाइनली उस याचिका को वापस ले लिया जिसके बारे में यह जानकारी हम आपको दे रहे थे कि उन्होंने इसको वापस लेने को कहा है। वापस लौटते हैं अपनी खबर पर, और बात कर रहे हैं हम, हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका हमने, जिनसे आपका तारुफ कराया, प्रीति अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता, और उसके साथ ही साथ परविंदर सिंह सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो उसका पक्ष रखेंगे। विनोद मिश्रा जी आपके पास आते हैं पहले, और उसके बाद इस पे जब हम ये इस बात की चर्चा करते हैं, आपने देखा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये जिस तरह से अपनी याचिका वापस ली, इसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेजिंग की एक 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 बात दिखाई देती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो ये बात तो है ही है कि लीगली उसको एग्जॉस्ट कर लेंगे तो आगे क्या बचेगा, लेकिन ये भी मैसेज कहीं ना चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इनकी याचिकाएं खारिज कर रहा है और जनता के बीच में ये एक मैसेज चला जाए।
निखिल, अब हम ये अभी लोग हम लोग बात कर ही रहे थे कि जिस समय ये ब्रेकिंग आप चला रहे थे उसी पहले ही हम लोगों ने ये बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट का 3 स्टैंड हमने दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट में हमने हेमंत सोरेन का दिखाया कि जब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे ईडी के अरेस्टिंग के विरोध में तो उनको क्या कहा गया था। कल अब आज ही के कविता जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटी है और वहाँ के सबसे बड़ी नेता हैं बीआरएस के, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद जब राहत मांगने गई थी सुप्रीम कोर्ट तो उनको क्या कहा गया, और ये तीसरा मामला अभी आप अरविंद केजरीवाल का है। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे में एक और आप देखिए कि कल दिल्ली हाई कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल इस गिरफ्तारी से संरक्षण मांगने गए थे तब भी ये बात जीरा में हो रही थी, तो हाईकोर्ट ने ईडी से पूछ लिया था कि आपके पास सबूत क्या है केजरीवाल के खिलाफ में जो आप इनको पूछताछ चाहते हैं, तो केजरीवाल के ईडी ने उनको पूरे सबूत दिखा के हाईकोर्ट में इस बात को दिखाया था कि हम किस ग्राउंड पे केजरीवाल से पूछताछ करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि हाईकोर्ट लौटते ही चैम्बर से लौटते हुए न्यायमूर्ति ने सीधे ये कह दिया था कि हम इसमें कोई संरक्षण देने नहीं जा रहे। तो जब एक हाईकोर्ट के प्रीव्यू में ये बात साबित हुई कि इसमें ईडी की जो चार सीट है, ईडी की जो तख्तीस है उसमें दम है, आप उसको एक तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही क्या इस मामले में तुरंत उनके गिरफ्तारी पे सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको फ्री कर देगी। और दूसरी बात है कि निचली अदालत से जब ये चीज़ें आ रही है, निचली अदालत को अभी वहाँ पे अब इनको पेश किया जाना है, उनके रिमांड मांगे जानी है, बहस वहाँ भी होगी, तो जाहिर सी बात है जो अभी विकास सारथी बता रहे थे कि एक ही चीज़ को लेके कई कोर्ट में एक साथ बहस नहीं हो सकती, शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने अपना वापस ले लिया हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पूरी आम आदमी पार्टी की जो सियासत है वो परसेप्शन की सियासत पे है। अभी जो उनकी कोशिश है कि वो सिर्फ एक परसेप्शन में दिखाएं कि केजरीवाल इनकलाब बना के कि वो कुछ गुनाह नहीं किया है, वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि सीएम हैं, सीएम बने रहेंगे, तो ये साफ एक मैसेज है कि वो अपनी तरफ से ये बता रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बता दे, हाई कोर्ट बता दे, भारत की कोई एजेंसी बता दे, आम आदमी पार्टी उनको गुनाहगार नहीं बताएगी, और इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि वो सीएम बने रहेंगे। अगर वो सीएम बने रहेंगे तो शायद उनको जेल का मैनुअल पता नहीं है कि एक सीएम जेल के अंदर में जब जाता है तो कोई भी भारत का नागरिक हो वो कोर्ट के आदेश के हिसाब से है, और कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि केजरीवाल आप कैबिनेट मीटिंग वहां कीजिए या आप लोगों से बात कर सकते हैं। जो जेल मैनुअल्स के खिलाफ है और उसके उसमें वो संभव ही नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ और दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रीति अग्रवाल जी, आपने देखा है ये लगातार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही है वो एक विक्टिम कार्ड कि हमको जी फंसाया जा रहा है, और जो ये सारा ईडी एक जानबूझ करके वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बीजेपी वो काम कर रही है और ऐसा फंसाया गया है जानबूझकर, क्या किस तरह से देखती है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिटिंग सीएम का जेल जाना आज एक काला दिवस है, ब्लैक डे ऑफ द फॉर दिल्ली। आप ही देखिए कि कभी पहले इस तरह का नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम ने इस तरह के घोटाले किए हों। केजरीवाल जी ने वाकई में बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा उन्हें दर्शना भी देखे, लोगों की करोड़ों लोगों की उम्मीदों को जगाना और उसके बाद उनको धोखा दे देना, उनकी उम्मीद को उम्मीदों पे पूरी तरह से पानी फेर देना। उन्होंने अगर दिल्ली में किया है तो करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया, जगह जगह शराब वो बात करते थे स्कूल खोलने की, कॉलेजेस खोलने की, मोहल्ला क्लिनिक्स की, लेकिन उन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खोले। तो और आप ये देखिए कि ईडी जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किसी तरह से भी, मतलब खुद ही सोचिए कि वो कोई छोटी एजेंसी नहीं है, वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, और उनके पास जाहिर सी बात है कोई प्रूफ होंगे तभी इस तरह का स्टेप लिया जा रहे हैं जी। और 9 बार उनको नोटिस मिलना और उसकी सेंसिटिविटी को ना समझना, क्या ये छोटी बात है? जी, तो जी, ये जी, सब चीजों को हमें, हाँ ये सब चीजें जो है बहुत सेंसिटिव है, वो कोर्ट को कुछ नहीं मानते, वो किसी भी तरह से सरकारी किसी भी चीज को नहीं मानते हैं, तो उनको इस सेंसिटिविटी को, एक बहुत बड़े पद पे वो हैं, दिल्ली के सीएम हो रहे हैं। जी, परविंदर सिंह सेठी जी, हम इससे पहले कि आपसे सवाल पूछे कुछ स्टेटमेंट्स हम अदालतों के देना चाहेंगे जो ऑब्जर्वेशंस और फैसलों में। दिल्ली की कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जमानत नहीं दी जा सकती। उसके साथ ही साथ जब हाई कोर्ट आए तो उन्होंने कहा एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर और बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इस तरह से जमानत नहीं दी जा सकती। संजीव खन्ना की बेंच में जब सुप्रीम कोर्ट आए तो उन्होंने कहा कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, बेल नहीं दी जा सकती। अदालतें लगातार ये कह रही हैं कि ये मामला सीरियस है। अरविंद केजरीवाल को 9 समन दिए जाते हैं, बहाने पे बहाने, जिसको लगातार बीजेपी कह रही है कि वो बहाने दे रहे हैं। आपका कहना है कि नहीं जी, वो बहुत व्यस्त हैं, 9 समन के बाद वो उनको गिरफ्तार किया गया है, और आप कह रहे हैं कि जी लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा और कोई तर्क बचता है आपके पास? नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के साथ हुआ, बहुत सारे नेताओं के साथ हुआ, जिनमें से काफी सारे नेता जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन्होंने फ्रॉड करा शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे केस वापस हो जाते हैं, उनके सारे केस खत्म कर दिए जाते हैं। और अब जब अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा एक विरोध दर्ज कराया है कि जब उन्होंने उनके पास ईडी आती है और ईडी उनको पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से उनको टारगेट करती है और चुनावों के दिनों में टारगेट करती है, तो उन्होंने ये विरोध दर्ज कराया कि मैं इसके सामने झुकूंगा नहीं, मैं इसके सामने इसके जो है जो पहले तो उन्होंने ईडी से बोला कि पहले वो अपना वो जाहिर करें कि मेरा किसी एफआईआर में नाम नहीं है, आप मेरे को किस आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं या गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, फिर वो कोर्ट में जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने अदालतों में कही लेकिन अदालतों ने नहीं सुना। वही तो बात कहा जा रहा है कि हम ही मुनसिफ, हम ही मुजरिम और हम ही खुद फैसला करेंगे, कोई कोई तो होगा जो फैसला करेगा, किसी की तो सुनेंगे। बात ये नहीं, नहीं सर, बात ये है कि पूरे देश के अंदर एक आंदोलन और क्रांति का माहौल बना हुआ है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे खिलाड़ियों का मुद्दा हो, चाहे जितनी राजनीतिक पार्टियां, पूरी राजनीतिक पार्टियां। हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ परविंदर जी। एक आंदोलन का मुद्दा बना हो सकता है, क्रांति का मुद्दा बना हो सकता है, दूसरे लोग बड़े दोषी हो सकते हैं, हम उनपे जा भी नहीं रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का ये जो मामला है इसमें आपके पास कोई तर्क बचता है कहने के लिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जब डेमोक्रेसी की हत्या कर दी जाती है, डिक्टेटरशिप हो रही होती है, तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपने निजी फायदे छोड़कर, अपने राजनीतिक फायदे छोड़कर एकजुट होती हैं और वो ये कहती हैं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप का राज नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई, चलिए हम आपको यहां पर रोक करके अन्ना हजारे की, जिसके साथ में ये आंदोलन की शुरुआत की थी और जहां से राइज पर हुए अरविंद केजरीवाल और इस पूरे आंदोलन से, अन्ना हजारे की बाइट हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। आइए सुनाते हैं कि अन्ना हजारे क्या कुछ कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। जी वापस लौटते हैं परविंदर सिंह सेठी के पास। फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा दें, केजरीवाल के काम से खुश नहीं थे अन्ना हजारे निश्चित तौर पर, और ये बाइट जो आपने सुनी ये उसी की तस्दीक करती है। उन्होंने कहा कि शराब नीति बना रहे अरविंद केजरीवाल और शराब का जमकर विरोध किया गया था, केजरीवाल के काम से खुश नहीं थे अन्ना हजारे। एक बार वापस लौटेंगे परविंदर सिंह सेठी के पास। केजरीवाल ने ठीक काम नहीं किया, केजरीवाल के काम से खुश नहीं थे अन्ना हजारे। अब आपने सुन लिया अन्ना हजारे को भी, जो आपके शिखर पुरुष थे और जिनसे प्रेरणा पाकर के आपने आंदोलन किया था, जिनके साथ आप खड़े रहे। आपको लगता है कि अब कुछ कह गया, रह गया क्या बाकी कहने के लिए? नहीं, देखिए जो अन्ना हजारे हैं वो बहुत ही सम्मानित है, उनका पूरा देश सम्मान करता है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खासतौर पे उनका सम्मान करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने अन्ना हजारे जी से प्रश्न करा था तो उन्होंने कहा कि आप राजनीति में क्यों नहीं आते, उन्होंने कहा अरविंद पार्टी बनाएगा, अरविंद आगे चलाएगा इस सारे उसको। लेकिन उन्होंने शराब घोटाले के ऊपर अपनी एक स्टेटमेंट दी, लेकिन जिसके अंदर उन्होंने कहा शराब नीति नहीं आनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि शराब की इन्वेंशन आम आदमी पार्टी ने करी है, शराब तो
सैकड़ों हजारों वर्षों से इस देश के अंदर आ रही है, और उससे पहले 800 टेके थे। उसके अंदर कुछ जो सेंटर सरकार है उसने उसको नहीं इंप्लीमेंट करने दिया। उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि जो हजारों करोड़ की शराब हरियाणा से आती है, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए पॉलिसी लाई गई थी, और उस नेक्सस को तोड़ने के लिए जब वो भाई साहब कितनी तो बातें करेंगे, कितने भोले हैं आप लोग। मतलब आपके जो शिखर पुरुष हैं वो तक ये बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जी शराब तो हमने बनाई नहीं थी, शराब का इन्वेंशन तो शायद सदियों पहले हुआ था, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कैसा तर्क है? विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी ये कैसे तर्क दिए जा रहे हैं? निखिल मैं यही चीज कह रहा था कि ये आम आदमी पार्टी के सेठी साहब हम लोगों के साथ बहुत पहले से भी जुड़ते रहे हैं, लेकिन शायद वो अच्छा मैं आपके पास विनोद जी आऊंगा, अपने विचारों को अपने पास सीमित रखें। हमारे पास एक ब्रेकिंग खबर आ रही है और हम अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे थिम्पू थोड़ी देर के लिए, आप हमारे साथ बने रहें। बाकी मेहमान जो है, भूटान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान हुआ है। ये इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखा रहे हैं। थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है दोनों देशों के बीच में। दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने यहाँ दौरे पर जाने से पहले ही ये कहा था कि दोनों देशों के बीच में जो शानदार रिश्ते हैं उनको और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री इस दौरे पर जा रहे हैं। तो समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है दोनों देशों के बीच में। बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। दोनों प्रधानमंत्री उस वक्त अब मौजूद हैं शेरिंग तोब के, भूटान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो दिन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान में, और थिम्पू पहुंचने पर उनका एक जब पहले परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री शेरिंग तोब के, उनको रिसीव करने के लिए जो पारो एयरपोर्ट है थिम्पू का वहाँ भी गए और उनको एक बहुत वार्म रिसेप्शन दिया गया। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकले तो सड़क के दोनों ओर तमाम बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ये अभूतपूर्व था जो तमाम लोग थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और तमाम लोक नृत्य वहाँ के जो रहे, जो गीत संगीत के माध्यम से ज़बरदस्त भारत के झंडे हाथ में लिए हुए लोग सड़क के किनारे खड़े रहे प्रधानमंत्री का। तो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो दर्शाती रही, तमाम वो जो तस्वीरें हैं उनकी तस्दीक करती रही। और ये जो तस्वीरें हैं ये दोनों देशों की मैत्री किस तरह से और आगे बढ़ रही है ये भी दिखा रही है। तो दोनों देशों के बीच में तमाम तरह के जो आपसी समझौते हैं, और भूटान के साथ में एक शानदार रिश्ता, एक बेहद गर्मजोशी भरा रिश्ता साझा करता है भारत। और भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये MOU का आदान प्रदान हुआ है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और जो भूटान के अधिकारी हैं उनके बीच में, और PM के आने की खुशी में वहां पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। Thank you.
दृश्य देखे आपने भूटान थिम्पू से, जहां प्रधानमंत्री के आगमन पर उनके स्वागत पे पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया, गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया। और ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार करने की खबर पर और सामाजिक हम उस पर जो आपको जानकारी दे रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जिसने मेरे साथ काम किया और शराब के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, वो आज शराब नीति बना रहे हैं, इसका मुझे दुख हुआ है। उनकी गिरफ्तारी उनकी कृत्य के कारण हुई है। ये कहना है अन्ना हजारे का कि जिसने विरोध किया उसी ने शराब नीति बनाई, और शराब के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, जिसने विरोध किया उसी ने शराब नीति बनाई, और उनके कृत्य के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है। और हमारे साथ तो ये अपने आप में जिसको कहना चाहिए, जब हम जिसको देख रहे हैं कि दुखी मन से अन्ना हजारे ने ये बयान दिया है, और जब तमाम पॉलिटिकल नैरेटिव्स सेट किए जा रहे हैं और जिसको बीजेपी कह रही है कि एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, ऐसे में जो उनके जो इस आंदोलन के अन्ना आंदोलन के नाम से जाना जाता है और जहाँ से अरविंद केजरीवाल की सियासत का जन्म हुआ, और जिसको कहते हैं कि जिनसे वो प्रेरणा पाते थे, जो उनके शिखर पुरुष थे, उन्होंने ही आज बड़े ही दुखी मन से ये बयान दिया है कि केजरीवाल के कृत्य से नाराज और दुखी हैं अन्ना हजारे। और उन्होंने कहा कि शराब के खिलाफ हमने आंदोलन की शुरुआत की थी और शराब नीति उसने बनाई अरविंद केजरीवाल ने, ये अन्ना हजारे का कहना है, और कहा कि अपने कृत्य की वजह से आज वो जेल में है। तो जब बीजेपी बार बार इस बात को कहती है कि अन्ना हजारे को भी ठगने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने, तो इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। फिलहाल सुनते हैं कि अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, उनके पास चलते हैं, एक कमेंट लेकर इस बुलेटिन का अंत करेंगे। विनोद मिश्रा जी, आपने सुना अन्ना हजारे को, आपने तर्क भी सुने आम आदमी पार्टी के तरफ से। समय समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि चलते चलते आप एक कॉमेंट ज़रूर दें इस स्थिति पर। निखिल, मैंने अन्ना हजारे को भी सुना और मैंने सेठी साहब को भी सुना, और सेठी साहब पत्रकार भी रहे हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, और आज वो अन्ना के साथ साथ आते आते वो अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर हो गए हैं। लेकिन सवाल है कि वो उनसे ज़रूर ये बात पूछी जानी चाहिए कि कम से कम इतने देर के बाद, जब ये कोर्ट में ये मामला आया था, सेठी साहब आपको भी याद होगा, तो कोर्ट ने कहा था कि ये 100 करोड़ का जो इसमें किक बैकिंग हुई थी, वो फ़ायदा इसमें किसको मिला,
तो कहा गया कि ईडी के तरफ से कि ये सीधे सीधे फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिली, जो गोवा के इलेक्शन प्रचार के लिए और जगह के इलेक्शन प्रचार के लिए उसको पैसे का यूज किया गया था। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने छूटते हुए कहा था कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए जी। और दुखद बात यह है कि इसमें सेठी साहब के आम आदमी पार्टी के भी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल हैं और सीएम भी अरविंद केजरीवाल हैं। तो अब ये अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के साथ जब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है तो उनके मुश्किलें दुगुनी हो गई है। और आपको ये भी मैं याद दिला दूं, 4 महीने पहले जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया था तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम था। तो अगले हो सकता है कि इसके बाद कभी सीबीआई इसकी रिमांड मांग सकती है कि भाई उसके साथ में भी एक केस पैरेलल में चल रही है। तो आप जितना परसेप्शन बनाते हैं उतने आप ना भोले हैं। और जो पावर में आप जबकि बात कहते हैं तो इतना बात समझिए कि कानून का काम सबूतों से चलता है और ईडी के पास इतना सबूत है तब वो हाईकोर्ट बिल्कुल जो कानून का काम है वो नैरेटिव से नहीं चलता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबूतों के साथ चलता है। बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से विराम के बाद रमा त्यागी मिड डे प्राइम लेकर आ रही हैं, हमारे साथ बने रहिए। इन खबरों को भी हम आज पूरा दिन इस पर जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।